हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास नाइन्थ मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन 7 गिवन है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। और पहला पार्ट है क्वेश्चन का 99 का पावर क्यूब। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 99 का पावर क्यूब इक्वल टू होता है 100 - 1 का पावर क्यूब। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? ऑब्वियसली 7 वाली आइडेंटिटी हम लगाते हैं। तो हमें एक्स की वैल्यू मिलती है 100 और वाई की वैल्यू मिलती है 1। आइडेंटिटी हमारी है एक्स माइनस वाई होल टू द पावर क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो एक्स हमारा है 100 तो 100 का पावर क्यूब, माइनस वाई हमारा है 1 तो 1 का पावर क्यूब, माइनस 3 × x × 1, फिर ब्रैकेट में 100 - 1। तो जब हम 100 का क्यूब फॉर्म देखते हैं तो हमें मिलता है 10 लाख, माइनस माइनस 1 और माइनस 100, 3 × 300 और 300 × 30,000, यानी 100 × 10,000 × 3 = 30,000 प्लस 300। क्यों? क्योंकि ये माइनस 300 और माइनस 1 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू होती है प्लस 300। तो हमें वैल्यू मिला 10 लाख माइनस 30,000 प्लस 300। तो जब हम 10 लाख में से 30,001 को माइनस करते हैं तो, और उसके बाद जो हम उसमें 300 को प्लस भी कर देते हैं लाइक दिस, तो हमारी वैल्यू होती है 9,70,299। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है 100 to 102 होल टू द पावर क्यूब। ऑब्वियसली यहाँ हमें x की वैल्यू मिलती है 100 और y की वैल्यू मिलती है 2। और आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy होल टू द x प्लस y। तो x 100 का क्यूब करने पर हमें मिलता है 10 लाख, प्लस 2 का क्यूब जब सॉल्व करते तो मिलता है 8, और जब हम 3 × 100 × 2 करते हैं तो 3 × 2 = 6 और 100 × 100 = 10,000, यानी 10,000 × 6 करते हैं तो हमें मिलता है 60,000 प्लस 600 × 2 तो मिलता है 1,200। अब हम देखते हैं जब हम 10 लाख प्लस 8 प्लस 60,000 प्लस 1,200 को जब हम सम करते हैं तो हमारी वैल्यू मिलती है 10,61,208। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट गिवन है 998 होल टू द पावर क्यूब। जब हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी वैल्यू बनती है 1,000 - 2 होल टू द पावर क्यूब। तो यहाँ एक्स की वैल्यू हो गई 1,000 और वाई की वैल्यू हो गई 2। सिमिलरली जब हम 1,000 का क्यूब लेते हैं माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में 1,000 फिर इंटू 2 फिर एक्स माइनस वाई तो 1,000 - 2। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू बनती है अप्रॉक्स 1 unit, 10, 100, 1,000, 10,000 lakh, 10 lakh crore, 10 crore, यानी अप्रॉक्स बहुत हायर वैल्यू 1 अरब, माइनस 8। और ये वैल्यू हमारी बनती है 1,000 × 1,000 × 6 = 60 लाख बनता है। और जब हम यहाँ देखते हैं 3 × 2 × 2 तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो हमारी वैल्यू होती है 12,000 × 100 करने पर। सिमिलरली जब हम इसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिलता है 99,40,11,992। यह हमारी फाइनल वैल्यू होती है। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर ओवर होता है। अपनी अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 8 के साथ नई क्लास शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।